असाइनमेंट आपका बनता है जो कि मैं अब आपको देने वाला हूं फर्दर नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस में। ओके, कैन एनीबडी टेल ओके मी सर। कि ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर है, कोई बताएगा? सर 8 बिट होता 8 बिट है, होता 8 बिट है, माइक्रो। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके राइट, तो ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों होता है आपका, कोई रीजन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होने का? एक तो सिस्टम सर सीलिंग ये का सर, सर इस माइक्रो प्रोसेसर को 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं कहा, 8085 को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर ही क्यों कहा है हमने, कोई रीजन? 8 बिट अरिथमेटिकल लॉजिकल रिव्यू होता है इसका, इसलिए। नो, 8 बिट के अलावा 8 बिट जो आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें भी 8 बिट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वर्क्स हो सकता है 16 बिट के अलावा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 8 डाटा लाइंस होती हैं, सिर्फ ये 8 डाटास को ही कैरी कर सकता है और 8 डाटा पे ही इसका ऑपरेशन होता है, चाहे अर्थमेटिकल ऑपरेशन कराओ, चाहे लॉजिकल कराओ, चाहे किसी भी प्रकार का आप इसका ऑपरेशन कराइए, वो 8 बिट पर ही आपका डिपेंड होगा, इसलिए इसको 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और जो 8086 होता है वो कितना होता है, 8086 16 बिट, 16 बिट्स। सिस्टम, तो वो 16 बिट क्यों होता है, क्योंकि उसमें 16 डाटा बस होती क्या हैं, उस उसमें जिस 16 डाटा बस होती हैं, डाटा लाइंस होती हैं 16, और ईच डाटा लाइन कैन कैरी 1 डाटा, मीन 16 डाटा लाइंस आपके 16 बिट डाटा को कैरी कर सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके ऑपरेशन हो सकते हैं, इसलिए वो 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस यस सर, तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है आपका, क्या हम 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोल रहे हैं इसको और 8086 को 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ रहा आपके समझ में? अच्छा, एक 8080 माइक्रो प्रोसेसर और होता है, 8080 पढ़ा है आपने, 8080 यस प्रोसेसर, यस सर। वो कितने बिट का होता बेटा, सर 8 बिट्स का, उसमें 8 बिट का, क्यों? 8 डाटा बस लाइन होती है। 8 डाटा बस। अब आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, आ गया आपके यस सर। समझ में आया ना आपके, कि उसमें 8 डाटा लाइंस होती हैं 8080 में और आपका 8085 में। अच्छा ये बताइए एड्रेस लाइन कितनी होती है 8085 में, 8085 में एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, 8085 में एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं बच्चों, कोई बताएगा? सर सर कैपेसिटी सिक्सटीन पता सिक्सटीन होती होती हैं, बताओ बेटा कॉन्फिडेंटली बताओ, 16 होती है क्या है सर, आपके एड्रेस सामने, क्या की होती हैं? सर सिक्सटीन लाइंस नहीं, होती है सर, लाइंस का नहीं पता, कैपेसिटी होती है सर 64 से सिक्सटीन। भी। अरे बेटा मैं एड्रेस लाइंस या एड्रेस बस पूछ रहा हूँ, आप एड्रेस लाइंस बोल लो या एड्रेस बस बोलो, कितनी एड्रेस बस होती है 8085 में, सर सिक्सटीन होती है सर 16 होती सिक्सटीन। है, तो उसकी कैपेसिटी 2 रेस्ट टू पावर 16 करते हुए 64K बनता सिक्सटीन सर है ना, 16 होता है, तो इसका मेमोरी मैपिंग कितना होगा, मेमोरी साइज कितना होगा इसका, मेमोरी साइज बताया था सर ने कि नहीं बताया, मेमोरी साइज बात समझते हो कि नहीं, 2 रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है, अप टू 60 एक भी बताइए, 2 रेस्ट टू पावर 0 मीन्स 1, 2 रेस्ट टू पावर 1 मीन्स 2, 2 रेस्ट टू पावर 2 मीन्स 4, फोर तो 2 रेस्ट टू पावर 15 कितना हो गया, चेक करके बताओ फटाफट, कौन बताएगा? टू रेस टू पावर 15,
So 32768. Or 2 raised to power 16. Yes. तो 64K होता है इसका मेमोरी locations. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस. तो मेमोरी आपका कितना बेटा इसका 2 रेस्ट पावर 16 मीन 64K 64 किलोबाइट आप इसका मेमोरी लोकेशन होता है. इसका मेमोरी पैपिंग अपन 64K तक कर सकते हैं. और यदि हम कहें कि 8086 है आपके पास तो उसमें कितनी होती है एड्रेस लाइंस, एड्रेस बस कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8086 में एड्रेस लाइंस कितनी होती है किसी को पता है? ट्वेंटी. तो 2 raised to power 20 कितना होता है 1 megabyte तक. तो मेमोरी एक्सेस करने की कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इसकी? 1 megabyte तक. yes. आप इसको मेमोरी मैप कर सकते हैं. इसलिए तो कहते हैं कि आपके आपका जब ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो इसके वर्जन आए थे. सबसे पहले आया था 8085, उसकी कैपेसिटी स्लो थी, स्पीड स्लो थी. इसके बाद आया था 8086, फिर इसके बाद 80186, 286, 386, 486 और इसके बाद 586 जो कि पेंटियम के नाम से जाना जाता है. उसकी क्या खासियत होती है कि मेमोरी मैपिंग भी ज़्यादा होती है और स्पीड भी ज़्यादा होती है. तो हम जो आप माइक्रोप्रोसेसर पढ़ रहे हैं, आप और हम जो पढ़ रहे हैं, वो सबसे बेसिक माइक्रोप्रोसेसर है. लेकिन सबसे अच्छा माइक्रोप्रोसेसर इसी को बोला जाता है क्योंकि इसी से सारी बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आगे इम्प्लीमेंट हुई हैं आपके सारे कामों में. यहां पर किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? नो सर. आप ये बताइए 40 पिन जो इसका माइक्रोप्रोसेसर है, 40 पिन है इसका पिन आउट डायग्राम. ये पिन्स आपको डायग्राम याद हो गया इसका? सारा पिन डायग्राम याद है कि नहीं आपको? सर थोड़ा बहुत याद है. थोड़ा बहुत याद है मेरे को. वैसे ही याद है X1, X2, SOD, SID, Reset Out, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INTA, AD0 से AD7, है ना, A8 to A15, याद है कि नहीं याद है? ये लिटरली आपको याद हो जाना चाहिए एक एक चीज. तो आपका सबसे पहला असाइनमेंट लिखिए कि राइट डाउन, लिखिए ड्रॉ द 8085 पिन आउट डायग्राम एंड एक्सप्लेन ईच पिन. राइट डाउन या ड्रॉ द 8085 पिन आउट डायग्राम एंड एक्सप्लेन ईच पिन. आपको बात समझ आ रही है? क्या करना है आपको पहले असाइनमेंट में? रितिका 8085. यस सर. सर 8085 डायग्राम लाना है, उसको जो हर एक पिन है उसको एक्सप्लेन करना है. सर क्या वर्क है, किस लिए यूज होता है? क्या वर्क है, उसका क्या यूज होता है? ठीक है. दूसरा इसमें क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, इसी प्रकार आपको जो 8085 का आर्किटेक्चर है वो आपको थोरोली याद हो जाना चाहिए. तो उसमें कितनी आपकी ने कंट्रोल यूनिट होती है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती है, कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं कि नहीं होते? बताओ कितने टाइप से रजिस्टर होते हैं इसमें, कितने प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं आपके ये बताइए 8085 में, या कितने रजिस्टर होते हैं? चलो ये बता दीजिए. पढ़े कि नहीं पढ़े आपने ABCDEHL? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? यस सर पढ़े हैं. सिक्स होते हैं.
रजिस्टर को क्या कहते हैं आप, इसका मतलब पढ़ते नहीं हो बच्चों? ए को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्टूडेंट्स ए को हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? yes, कितने बिट रजिस्टर होता है ये जो ए को रजिस्टर नाम दिया हमने, ये कितने बिट रजिस्टर होता है सर? एट बिट होता है। और इसी प्रकार बी, ये कितने बिट का होता है? ये भी 8 बिट होता है। इसी प्रकार सी, ये कितने बिट का होता है बोलो बच्चों? ये भी 8 बिट का होता है सर। 8 बिट होता है। इसी प्रकार डी ई एच एल, ये सारे, ये टोटल 7 जनरल पर्पज रजिस्टर कहलाते हैं। ए बी सी डी ई एच एल, ये 7 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं जो कि ईच 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि हम बी सी को एक साथ कंबाइंड यूज करके 16 बिट रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। तो तीन ग्रुप बनते हैं, बी सी डी ई और एच एल। कौन कौन से? बी सी डी ई एंड एच एल, ये तीन को हम 16 बिट रजिस्टर के रूप में यूज कर और 16 बिट ऑपरेशन, चाहे एडिशन होता है चाहे सब्ट्रैक्शन होता है, इस तरह का एडिशन हम ना इसमें अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपके? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें टेम्पररी रजिस्टर होते हैं दो, टेम्पररी रजिस्टर होते हैं दो, आपने पढ़े हो, आपने पिन आउट डायग्राम वो देखा है क्या? आपका आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर देखा है कि yes, आपने इसका? यस सर। यस सर। कैसा होता है आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर में जो आपके रजिस्टर्स होते हैं बी सी डी एच एल और एक्यूमुलेटर, उनके ऊपर दो रजिस्टर्स के नाम होते हैं, वो कौन से होते हैं? सर, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था और एक टेंपरेरी रजिस्टर था। नो बेटा, वो अलग चीज है। आपके एक्यूमुलेटर बी सी डी एच एल के ऊपर दो रजिस्टर होते हैं, डब्ल्यू जेड। क्या होते हैं? डब्ल्यू जेड। और एक्यूमुलेटर और पी एस डब्ल्यू, पावर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये मिलकर 16 बिट रजिस्टर भी बनता है, ये भी ध्यान रखना। एक्यूमुलेटर प्लस पी एस डब्ल्यू, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये डब्ल्यू जेड क्या होते हैं? टेम्पररी रजिस्टर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? कौन से रजिस्टर कहलाते हैं बेटा? टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसका आर्किटेक्चर भी ड्रॉ करना है, और आप जो गूगल क्लासरूम है उसमें ये दोनों असाइनमेंट आप सबमिट करोगे। अच्छा, ये जो आपका आर्किटेक्चर है, इसमें एक तो सीरियल इनपुट कंट्रोल बॉक्स होता है ऊपर ही ऊपर, होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस सर। यस सर। मैं आपको ये डायग्राम बताता हूँ, मैं एक मिनट मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। देखिए, इसमें बॉक्स देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। स्क्रीन शेयर है? यस सर। ये नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने शेयर करे हुए हैं आपके, आपको मिल गए वो नोट्स? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखिए, आप स्टार्टिंग में दो बॉक्स बनेंगे, जो पहला होता है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सेकंड होता है इंटरप्ट कंट्रोल। तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल में आपके दो पिन्स होती हैं, एसआईडी एंड एसओडी। एसआईडी होती है आपकी इनपुट, है ना, और एसआईडी होती है आउटपुट, इसको बोलते हैं सीरियल इनपुट डाटा, और एसओडी को बोलते हैं सीरियल आउटपुट डाटा। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें डाटा को सीरियली आउट किया जाता है।
ठीक है। और इसके बाद इंटरप्ट कंट्रोल में इसमें टोटल आपके 5 इंटरप्ट होते हैं, ये आपको बताया था सर ने कि नहीं बताया था? माइक्रो प्रोसेसर yes, जब आप पिन आउट डायग्राम पढ़ते हो तो इसमें उन पिनों में 5 पिने आती हैं और उनको इंटरप्ट पिन बोलते हैं। और इंटरप्ट पिन का जो सिस्टम होता है, हायरकी सिस्टम होता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ट्रैप की। किसकी होती है? ट्रैप। फिर आरएसटी 7.5, फिर आरएसटी 6.5, फिर आरएसटी 5.5 और एक लास्ट होता है आईएनटीआर। तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई स्टूडेंट्स? आईएनटीआर की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हो गई। और सबसे हाईएस्ट किसकी हो गई? ट्रैप की हो गई। और इन सभी इंटरप्ट्स को एक्नोलेज करता है आईएनटीए बार। कौन करता है? आईएनटीए बार, जो एक पिन आपको दिखाई दे रही है लास्ट में। यस सर, दिखाई दे रही है ना? तो ये सबसे लास्ट में जो पिन दिखाई देती है ये इंटरप्ट को एक्नोलेज करती है। यदि किसी माइक्रोप्रोसेसर के पास कोई अलग से काम आने के लिए कोई इंटरप्ट करता है तो माइक्रोप्रोसेसर पर इनपुट जाता है कोई भी इंटरप्ट पिन का, तो उसको काम को करने के लिए वो इंटरप्ट एक्नोलेज करता है आईएनटीए बार को। ठीक है, तो जब हम इंटरप्ट पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये इंटरप्ट में कई प्रकार के इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। इनकी प्रायोरिटी भी सेट होती है। इसके बाद ये है ना, आपके मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी होते हैं, इनकी वेक्टर लोकेशन भी होती है। ये सारी चीजें हम इंटरप्ट जब पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है? ओके सर। ओके नाउ, अब ये सभी 8 बिट इंटरनल डाटा बस से कनेक्टेड हैं। इसमें जो आपका ए रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो मैंने बताया था आपको, है ना, इसके बाद टेम्पररी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे इंस्ट्रक्शन, जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन, आपको पता है इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है माइक्रोप्रोसेसर के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए? स्टूडेंट्स, माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज जाती है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, या और कोई तीसरी लैंग्वेज यूज की जाती है? नहीं पता आपको? अरे जवाब दीजिए। कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है इसमें? इसमें हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज, ना हाई लेवल लैंग्वेज ना लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कभी कभी आपको सर ने बताया होगा मूव इंस्ट्रक्शन, एमवीआई इंस्ट्रक्शन, एलडीए, एलएक्सआई, ये बीच बीच में नाम लिए होंगे सर ने आपको, जिसको आज मैं डिटेल में पढ़ाने वाला था। लेकिन चूंकि मुझे आज बेसिक्स आपसे जानना था कि आपको पता कितना है, लेकिन आपको बहुत कम पता है बच्चों, आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा इसको। तो क्या होता है, जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन जाती है, सपोज मूव इंस्ट्रक्शन जाती है, तो मूव को डायरेक्टली रीड तो करता नहीं है, तो उसका ऑपकोड होता है कुछ, तो वो ऑपकोड को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल एनकोडर में जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसके ऑपकोड को भेजता है किसमें? इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर में। वहां जाकर उसको पता लगता है कि हमें करना क्या है। तो मूव का मतलब क्या होता है कि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना या कॉपी करना। वो काम जैसे ही मूव इंस्ट्रक्शन आती है उसका कोड को देखकर उसको वो वर्क एग्जीक्यूट करता है और उसके हिसाब से उसकी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट वहां पर उसकी सेट होती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? अब yes, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जो आपके सारी चीज आती है, ए एल ई, आर डी बार, डब्ल्यू आर बार, आई ओ ब्लिक मार, इनका मीनिंग मालूम है? ए एल ई मतलब क्या है? एड्रेस लैच एनेबल। क्या है? एड्रेस लैच एनेबल। अब ये क्या होता है, सर ने पढ़ाया क्या आपको एड्रेस लैच एनेबल क्या होता है? एड्रेस लाइन कितनी होती है? हेलो स्टूडेंट्स, एड्रेस लाइन्स कितनी होती है इसमें? कोई नहीं बता पा रहा? एड्रेस लाइन बेटा एड्रेस लाइन्स पूछ रहे हो यार? एड्रेस लाइन 16 होती हैं। ए
जीरो से लेकर ए सेवन और ए एट से लेकर ए फिफ्टीन, तो ए जीरो से ए सेवन आपका मल्टीप्लेक्स होती है ए डी जीरो से लेकर ए डी सेवन तक। इनको जब हमें सेपरेट करना होता है कि एड्रेस को अलग सेग्रीगेट करना है और डाटा को अलग सेग्रीगेट करना है, तब उस ए एल ई पिन का काम आता है, एड्रेस लैच इनेबल। जब हमें एड्रेस यूज करना है तो ये पिन हाई हो जाएगी, और जब एड्रेस ले जाने के बाद हमें डाटा का यूज निकालना है उसमें से, तो उस पिन को लो कर देते हैं, उस समय पर वो डाटा यूज में आता है अपना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और आर डी बार डब्ल्यू आर बार ये पिन क्या है पता है आपको? रीड बार राइट बार, यस सर पता है कि नहीं? यस सर। अच्छा चलिए, अब आपके जो रजिस्टर आपने देख रहे होंगे साइड में जो रजिस्टर आ रहे हैं बी सी डी ई एच एल, इनको कमांड यूज करके 16 बिट का कर सकते हैं। ऐसी एस पी पी सी, एस पी का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर और पी सी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, और लार्ज और इसके बाद में इंक्रीमेंटल ऑब्लिक डिक्रीमेंटल काउंटर। तो ये एस पी कहाँ काम आता है? जब हम स्टैक को यूज करते हैं। स्टैक क्या चीज है आपकी पता है आपको? यस सर। क्या चीज होती है स्टैक? डेटा स्ट्रक्चर सर, उसमें एक साइड से वैल्यूज इनपुट होती हैं। फर्स्ट इन लास्ट आउट, लिफो या फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है सर? लिफो लास्ट इन लिफो होता है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना? इस प्रोसेस पे काम करता है। अच्छा पीसी का क्या रोल है प्रोग्राम काउंटर का? इस माइक्रो प्रोसेसर में पीसी का क्या रोल है? सर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस में, सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन को ये शो करता है प्रोग्राम काउंटर, लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाली होती है उसके एड्रेस को शो करता है ये। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना, जैसे मान लो आपका सीक्वेंस में कोई इंस्ट्रक्शन चली आ रही है ना, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी आने वाली है, कौन से उसका उसका मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस को शो करता है ये आपका प्रोग्राम काउंटर। आप एक काम और कीजिएगा, जो मैंने आपको आज नोट शेयर किए हैं ना, नोट शेयर किए हैं उसके शुरू के 10 पेज आने आप राइट अप कीजिए, एज इट इज राइट अप कीजिए, तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा कि क्या चीज है उसमें। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। तो उसमें आपका ना ये 8085 माइक्रो आर्किटेक्चर भी आ जाएगा और पिन आउट डायग्राम भी आ जाएगा। ओके सर, ठीक है ना? एक इसमें ना हमने मेमोरी मैपिंग कर रखी है स्टार्टिंग में, मेमोरी मैपिंग उसको आप इनिशियली आप छोड़ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला पेज जो मेरा है माइक्रो प्रोसेसर का है वो आपको करना है, इसके बाद मेमोरी डिवाइसेस का है वो करना है, इसके बाद टाइप्स ऑफ रोम वगैरह है वो करना है, फिर आपको शुरू के 3 पेज के बाद 1 2 3 4 5 6 इसके बाद आपको शुरू के 3 पेज आपको लिखने हैं जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। M1 आपको 2 मैंने PDF दिए हैं, M1 और M2 लिखिए, आप नोट कीजिए। M1 और M2 आपको जो 2 PDF दिए हैं मैंने, M1 M2 दिए ना, ये जैसे आप देखिए ये दी हुई है आपको, M1 के नाम से आ रही है ये M1? यस सर, दोनों आ रही है M1 के नाम से। yes, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये फर्स्ट पेज आपको लिखना है, समझना है कि पिंस एंड सिग्नल ऑफ 8085, ठीक है? इसमें आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। अब इसके बाद फंक्शन है आपके, कि पिनों के फंक्शन क्या है, X1 X2 का क्या फंक्शन होता है ये लिखा हुआ है इसमें, ये आप राइट अप करते चलना, ठीक है? ओके सर। आप देखिए आगे, इसके बाद क्लॉक आउट का क्या फंक्शन है ये आपको बताया गया, AD0 से लेकर AD7 का क्या फंक्शन है ये आपको बताया गया है, ठीक है? इसके बाद कि ये ना जो आपको बताया था कि ALE पिन का क्या यूज है, जो एड्रेस डाटा जो बस होती हैं वो आपस में मल्टीप्लेक्स होती है, तो उनको कैसे है ना अपन सेग्रीगेट करते हैं,
वो आपको बताया गया इसमें, ठीक है, इसको भी नोट करना आपको। फिर आर डी बार, फिर डब्ल्यू आर बार, आई ओ एम बार, ये आपको सारे करने हैं। फिर एस वन एस जीरो जो फंक्शन होता है स्टेटस का, उसको आपको लिखना है। फिर रिसेट इन रिसेट आउट के बारे में आपको लिखना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, वायर रोम इप्रोम इज कनेक्टेड फ्रॉम द एड्रेस 00 इन 8085। इस क्वेश्चन के बाद आर्किटेक्चर ऑफ 8085 ये आपको पढ़ना है। इसमें जनरल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से हैं, ये सारे आगे आपके देखो ए बी सी डी एच एल है कि नहीं आपके सारे, यस और नो? इसके बारे में बताया गया कि भाई आपके जनरल पर्पज रजिस्टर कैसे काम करते हैं, क्या चीज होती है, जो अब तक जो तुम्हें पढ़ाया गया ना उसकी समरी यही एक तरह से। फिर इसके बाद देखो बताया था देर आर टू 16 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर कौन से होते हैं, एसपी और पीसी, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का जो अभी मैंने बोला था, देखिए इट इज अ 16 बिट रजिस्टर, इट ऑलवेज गिव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, बताया था मैंने ये, इट ऑलवेज gives the address of the next instruction, जो अगली instruction है उसके address को बताता है ये। ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया अभी? Yes sir. Yes sir. Just बताया। तो ये सारी चीजें ये है। इसके बाद stack pointer क्या होता है, ये stack pointer के बारे में बताया गया है। ये सब आपको write up करना है ना? फिर instruction decoder and machine cycle encoder जो मैंने बताया था अभी कि क्या होता है instruction decoder and machine cycle encoder। जैसे 8 बिट आपका एपोर्ट होता है, मान लो मूव इंस्ट्रक्शन है उसका है ना 8 बिट एपोर्ट आएगा, 8 बिट एपोर्ट क्या होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद वो मशीन साइकिल एनकोडर में जाके किस तरह से ये सबमिट करता है, ठीक है। इसके बाद ALU का क्या फंक्शन होता है, फ्लैग रजिस्टर, अभी आपने फ्लैग रजिस्टर पढ़ेंगे नहीं पढ़े इसके स्टूडेंट्स, फ्लैग रजिस्टर्स कितने होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स टोटल 5 होते हैं, ये आपके सामने है। देखिए कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग, ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए सबने? यस सर पढ़ाए हैं। पढ़ाए ना, इनके सारे मीनिंग मालूम है कि नहीं? यस सर। ये सब आप राइट अप करोगे, ये सारे मीनिंग मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आप लोगों से फ्लैग्स के बारे में कि कितने प्रकार के फ्लैग रजिस्टर होते हैं और हर एक का पर्पज बताइए मुझे, ठीक है। ये फ्लैग रजिस्टर हो गए, इसके बाद ये आर्किटेक्चर आ गया, ठीक है, और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम का, ये आ गया आपका। अब आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, ये M1 जो मैंने दिया है वो, इसके बाद आपका आता है इंस्ट्रक्शन सेट पर। तो अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, कैसे होता है और कैसे काम करता है, तो आपको नटसेल में मैं आपको ये बता दे सकता हूं कि जो हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके लिए जो हमारा जो आर्किटेक्चर दिया हुआ है, आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसका ऑपकोड इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग में जाता है, वहां पर उसका वो मीनिंग समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी परफॉर्मेंस देता है कि उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मूव करना है ना, जो भी आपका लॉजिकल ऑपरेशन करना है वो सारा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग करने लगता है। यहां तक समझ आ रहा है आपको? तो इसमें कई प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती हैं? देखिए सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन को हमने कैटेगराइज कर रखा है। पहला होता है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। पहली होती है डाटा ट्रांसफर ग्रुप, कौन सी? डाटा ट्रांसफर ग्रुप। हमने लिखा हुआ द वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर, कौन कौन सी होती है? डाटा ट्रांसफर ग्रुप, मीन्स डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो उस तरह के जितने भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उनको हमने सभी को नाम दे दिया डाटा ट्रांसफर ग्रुप के नाम में। कौन से नाम में दे दिया है? डाटा ट्रांसफर ग्रुप में। फिर बी होती है आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ग्रुप। मान लो कोई इंस्ट्रक्शन हमारी जो होती है उसको, उस इंस्ट्रक्शन को हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं उनको हम नाम दिया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ग्रुप। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरी होती है रोटेशनल इंस्ट्रक्शन। अब डाटा को हमें लेफ्ट में रोटेट कराना है, राइट में रोटेट कराना है, कैरी बिट के साथ कराना है, विदाउट कैरी कराना है, इस प्रकार की जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको बोलते हैं रोटेशनल इंस्ट्रक्शन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन कौन सी है? ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। अब ब्रांचिंग में आप जानते हो कि जंप कराना है,
कि यदि कैरी आती है तो जम कराना है, जीरो आता है तो जम कराना है, उस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो किसमें आएंगी, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। तो रेस्पॉन्स दे दिया करो भाई, हाँ रेस्पॉन्स दिया करो मुझे बीच बीच में, विदाउट रेस्पॉन्स में आपको ये मान के चलूंगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद आती है स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। जो अभी स्टैक की बात चल रही थी आपकी, हमारी चल रही थी कि नहीं, तो स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस में आती हैं आपकी पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फिर सब रूटीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फिर इंटरप्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इंटरप्ट को जो कंट्रोल करती हैं रिम और सिम, उसको बोलते हैं इंटरप्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और इसके बाद आती है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो कितने प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हो गई आपकी स्टूडेंट्स, टोटल कितने प्रकार की इंस्ट्रक्शंस हो गई? एट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हो गई। तो एट टाइप की इंस्ट्रक्शंस को हमें पढ़ना है। टोटल इंस्ट्रक्शंस पता है कितनी है इसमें 8085 में, पता है कि नहीं पता आपको कुछ? टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी है? टोटल 256 इंस्ट्रक्शंस हैं। कितनी? 256। हेलो, यस सर। यस सर। ये टोटल 10 स्टूडेंट क्यों रह गए भाई इसमें, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? क्यों भाई? सर 25 है सर। 25 है क्या? 25 तो कम है ना अभी, क्यों बच्चों? यस सर। यस सर 25 है सर। 25 तो कम है ना, इनको कब आप पढ़ाओगे? नेक्स्ट क्लास कब है मेरी ये बताइए आप। वेडनेसडे है ना? शायद परसों है सर। यस सर। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपकी डेली क्लास लिया करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? सुबह 8 से 9 सर। सुबह 8 से 9 ले लिया करूं, कोई है क्लास आपकी सुबह 8 से 9 में? नहीं सर, नहीं है। 9 सर। क्या कोई कुछ बोला अभी इसमें? नहीं है सर, नहीं है सर। 8 से 9 ले लिया करूं क्लास सर? नो सर। सर 10:30 से चालू होती है सर, 9:30 से 10:30 ले लो सर, कंटिन्यू रहेंगी फिर हमारी सर। ओके 9:30 से 10:30, चलिए इस बच्चे की बात को मैं मानता हूँ। 9:30 से 10:30 के बजाय मैं 9 से 10 लिया करूंगा, आधे घंटे आपको आपको आधे घंटे रेस्ट मिला करेगा। मैं 9 से 10 क्लास लिया करूंगा आपकी। ओके सर, बताइए। ओके सर। लेकिन मुझे अटेंडेंस